एज आपके लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए और ये एज तो है सीखने की ना आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं दिन के लिए भी वक्त निकालो कुरान का ट्रांसलेशन होना चाहिए सीरत की किताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी होनी चाहिए बुक ऑफ मैनर्स बुक ऑफ एटिकेट आपको बहुत सारी चीजें सिखा देगी इस्लाम उसके बाद आप डॉक्टर बनेंगे फिर देखिए कमाल वरना क्या होगा कि आपकी मिसाल ऐसी होगी जैसे कि कहानी बड़ी मशहूर है एक शख्स था इसका खेत था खेत फील्ड और उसने एक मौलाना साहब को बुलाया कि मौलाना साहब आप दुआ कीजिए कि इस साल मेरे खेत में बादाम अच्छी हो ये बादाम की अलग अलग वैल्यू होती है ना दो सौ रुपए वाली बाद चार सौ वाली होती है तो कहते हैं मौलाना साहब मेरी खेत में बादाम अच्छी होगी उसकी दुआ आप दुआ कीजिए अब मौलाना साहब बेचारे दुआ करें फिर कभी वहां से गुजरे जाके फिर दुआ करे अल्लाह इसकी बादाम में बरकत देना इसके खेत में अच्छी बादाम होगी बेचारा अच्छा आदमी है जब फसल पकी तो मौलाना साहब को बुलाया मौलाना साहब हमारे खेत में तो चने उगे हैं और आपने तो बादाम की दुआ की थी तो मौलाना साहब कहते तो क्या बात है तो देखा चने हैं अरे भाई अजीब है बड़ा मेरे सिम हो गया फिर मौलाना साहब पूछते साहब आपने बोया क्या क्या बोया था आपने चने बोए थे बड़े भी चने बोते हो और बादाम की दुआ करते हो हाँ चने बोते हो और बादाम की दुआ करते हो दीन सीखते नहीं और बोलते अल्लाह मुझको हिदायते दीन के अंदर ही हिदायत आप उसी को दूर रखते हो और बोलते अल्लाह मेरे पर रहमत कर अल्लाह मेरे पे बरकत कर लेकिन सीखने का नहीं है अल्लाह मुझे मर्सिडीज दे लेकिन मुझे चलाने नहीं सीखना मुझे ड्राइवर भी नहीं रखना तो गैरेज में पड़ी रहेगी गाड़ी खड़े रहेंगे गा आप बस स्टॉप पर कि नहीं हम दीन के साथ भी ऐसा ही करते हैं कि बहुत बड़ी वसाइल अल्लाह ने दी अल्लाह ने हमको ये दीन जो है ये ऐसी चीज़ हमें दी है इसके जरिए हम दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं लोगों की जिंदगियों में खुशी आ सकती है पता है इसलिए इल्मे दीन नसीहत है ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें